तो देख रहे थे तो सबको खाना है मटर पनीर, तो कोई चूल्हा जला रहा है, कोई मटर छील रहा है। अभी ये बासी मटर है, इसको छोड़ दो, खेत से लेके आते हैं ताजा मटर। ताजा मटर का ही मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मटर पनीर बनाने से पहले देख रहे हैं, ये तो मटर दो तीन दिन का हो गया ना, इसको छुटा कर रख देते हैं, कुछ भी बना लेंगे, दाल वोल नाश्ता वास्ता। हाँ, इधर देख रही है, देख रहे हैं इधर एक देसी सब्जी बना रही है। ये रेसिपी मैं शेयर नहीं की हूँ और बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो ठंड लग रही है, मन नहीं कर रहा है खेतों में जाने का, तो मैं सोची थोड़ा आग सेक लूँ उसके बाद जाऊँगी। ये सब्जी देख लीजिए, देख रहे हैं ये सब्जी ना चावल से खाया जाता है, ये बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे पनीर बनेगा बाद में, शाम को खाएंगे, शाम को खाएंगे। और अभी खाना पहले ही बन गया भाई, लंच वाला। और ये रहा हमारा लंच, चावल और मिक्स सब्जी और तितली की चटनी और चटनी और अचार और सलाद। खाओ आ जाओ। तो धान कुटा रहा है, चावल बनाया जा रहा है, तो उसी में लाला जी चले गए, अभी आ ही रहे होंगे, आ गए। दोस्तों खाना पीना खा लिए हैं, आग सेकते सेकते मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन चलिए चलते हैं खेत में, ताजा मटर लेके आएंगे उसके बाद बनाएंगे। बहुत बड़ा टोकरा लेकर आ रहे हो मम्मी आज, क्या बात है। एक टोकरा तोड़ूंगी, चलो फिर एक टोकरा ही तोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम चल रहे हैं खेत में, और खेत में से लेंगे मटर। एक गाड़ी पास होगी तो एक बड़ी गाड़ी चलेगी, सिंगल लेन रोड है ये। ठंडे कुलकुल में खाएंगे, देख रहे हैं सरसों फड़ के लदर गया है, ये काला वाला सरसों है, इसके अंदर भी मटर डाला जाता है, देख रहे हैं एक दो मटर है इधर, तो अभी वो फूल पकड़ा है, फला नहीं है, पिंक फूल है उसका। तो भाई आए हैं मटर के खेत में, लेकिन हमसे पहले चूहा मटर पनीर बना के अपने बीवी बच्चों को खिला दिया है, देख रहे हैं, ये देखिए पूरा चूहा खा गया है। इस साल मटर अच्छा नहीं है दोस्तों। पहुंच गए हैं मटर के खेत में, एक दो देख के मटर तोड़ लेंगे, जो तैयार है ना उसी को तोड़ेंगे, इसका मीठा मीठा मटर पनीर बनता है, ठीक है। ताज़ा फ्रेश मटर का बनाइएगा मटर पनीर, ये देख रहे हैं कैसे फला है मटर। पर मटर का खेती इस साल अच्छा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मटर के खेत में तो मैं आ चुकी हूँ, यहीं से एक कद्दू का मटर पाव भर निकल जाए तो हमारा मटर पनीर बन जाए। तो बच्चों का मन है कि मटर पनीर शाम को खाएंगे, तो हमारे गांव में ना ताज़े मटर का बनता है मटर पनीर, बड़ा मज़ा आता है खाने में, मीठा मीठा स्वाद लगता है। देख देख के मटर के थान में से मटर निकाल लेते हैं, जो तैयार होगा ना उसी को तोड़ेंगे, और जो तैयार नहीं होगा। पिछले साल मैं मटर खेत में आके कितना मटर खाई थी, इस साल मटर नहीं खाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है। तो देख रहे हैं ये बेबी मटर है, ये मटर का फूल है वाइट कलर का, देख रहे हैं, और ये अभी तैयार नहीं है, ये वाला तैयार है, देख रहे हैं, तैयार वाला आपको दिख जाएगा, जो मोटा मोटा हो गया वो तैयार है। तो वही तोड़ रही हूँ मैं सोची कि आप लोगों को दिखा भी दूँ पौधा। भाई जो मटर है ना वो भी चूहा खा रहा है, देख रहे हैं, एक भी पेड़ ऐसा नहीं है कि जो छोड़ा हो चूहा। इसमें तीन मटर है, तीनों में से एक को खा गया है। तो यहाँ देखिए पाव भर से ज़्यादा ही थोड़ा मटर निकल गया है, पाव भर होगा छोड़ा उड़ा के, तो ले लिए हैं, चलते हैं घर बनाते हैं। तो ले लिए हैं, थोड़ा सा मिर्ची भी चाहिए, हरा मिर्ची, लहसुन का पत्ता यहीं से ले लूँगी, और बाकी तो दोस्तों जो आप पुराना वाला मटर देख रहे थे सूखा वाला वही थोड़ा डाल लूँगी, क्योंकि इससे तो होगा नहीं, मटर है ही नहीं खेत में, क्या करें।
ये वाला देख रहे हैं, ये पिंक पिंक, ये देसी मटर है। ठीक है, देसी मटर कैसा होता है मैं आपको दिखा दी। उसका फूल जो है पिंक होता है, ठीक है, इसका फल ही छोटा छोटा होता है। आपको मैं दिखाऊं कैसे, आइए दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए छोटा छोटा इसका फली एक दो हुआ है, पर ये बहुत मीठा होता है, इतना मीठा कि मैं बता नहीं सकती। देखिए इतना फूल फूल, देखिए कितना छोटा छोटा ये मटर होता है। इस मटर को ना हमारे गांव में बोला जाता है केराव मटर, केराव यानी कि छोटा छोटा मटर। यहाँ से देखिए लहसुन की पत्तियाँ ले रही हूँ, तो देख रहे हैं लहसुन की पत्तियाँ ले ली हूँ। मटर तो है ही नहीं, चलते हैं घर पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मटर पनीर, तो मटर पनीर बनाएंगे। तो देखिए हम खेतों में आए थे, पर चूहों ने ना अपने घर पे मटर पनीर बना लिए हैं। आप लोग देखिए कैसे कैसे चूहा बनाते हैं, चूहा कैसे बनाते हैं मटर पनीर, ये भी आपको देख के बड़ा खुशी होगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं चल के घर पे बनाऊंगी। अभी खेतों में चाची आई हैं, सब उसको गाड़ रही हैं कि जानवर घुसे ना बहुत। टमाटर पनीर हमें रोपल बा तो उस गाड़े के बा। हाँ वो गाड़ाई तो सही रही, तो जानवरों से ही बचाना पड़ता है बहुत कुछ चीज है भाई। तो दोस्तों यहीं पे मटर छुड़ा लेती हूँ, हाँ मटर पूरा छुड़ा लूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो कैमरामैन कहीं जा रहे हैं। तो अभी पनीर बनाने के लिए ना दूध लेके आए हैं, देखिए बाजार से पनीर। इस साल हम पनीर अभी पहली बार खाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे पनीर को ना बनाते टाइम जो दूध है हमारा नीचे तल्ला में चिपकना नहीं चाहिए, हाँ ऊपर छाल ही नहीं जमना चाहिए, तब जाके आपका पनीर जो है ना मलाईदार जमेगा। ठीक है, तो मैं इसको बीच बीच में इस तरीके से चला ले रही हूँ, बस एक उबाल हमारा दूध में आना चाहिए। तो विनेगर हम 2 से 4 चम्मच लेंगे। ठीक है, ये देखिए अंदाजे से ले ली हूँ, और थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच के जितना पानी भी मिला लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, इसको मिक्स करके हमारा दूध में देखिए उबाल आने ही वाला है, बुलबुले छोटे छोटे फूटने लगे हैं। तब यहीं पे सॉफ्ट पनीर बनाने के लिए हम विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे कि हमारा जो दूध है छेना में कन्वर्ट होने लगेगा। अभी फ्लेम हमारा लो जल रहा है। ठीक है, अगर 3-4 चम्मच विनेगर से ना ये दूध फटे तो आपको 1-2 चम्मच और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 मिनट के बाद देख रहे हैं छेना कैसे अपने आप फट रहा है, तो इसको थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। ये देख रहे हैं, देखिए अब आपको बिल्कुल फटा हुआ छेना दिखेगा। ये देखिए छेना अलग, पानी अलग हो जाएगा, ये है इसका जादू। तो सॉफ्ट छेना फाड़ने का ये आसान तरीका था। तो छेना तो हमारा फट गया है, अब देखिए देसी जुगाड़ में कैसे बनाई हूँ। इस तरीके का एक छन्नी ली हूँ, ऊपर से कॉटन कपड़ा लगा दी हूँ मलमल का, और नीचे एक कुकर ले लिया है। कुकर मम्मी कुकर। अब देखिए हमारा छेना तो तैयार है, अब इसको हम इसमें डाल के पलटी कर देंगे और छोड़ देंगे। अब ये वाला पानी में हम नहीं धोएंगे। ठीक है, ये वाला पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हम दूसरे पानी से दूसरे बर्तन में इसको धो लेंगे छेना को, कि हल्का जो खट्टापन आया होगा वो चला जाए। इस तरीके से धो लेंगे। नीचे देखिए, नीचे देखो, नीचे देख रहे हैं पानी कैसे निकल रहा है। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा,
अब सिर्फ हाथ आएगा पनीर। ये देखिए अब पनीर को पनीर को इस तरीके से घुमा के हमें बांधना है। थोड़ा लूज ही बांधिएगा, ठीक है, कि चौड़ाई में जमे आपका पनीर। ये देखिए इस तरीके से इसको अकड़ बकड़ करके, और चलिए ले चलते हैं इसको इंतजाम करते हैं। तो देख रहे हैं इसमें बिल्कुल मलाई नहीं निकला है, मलाईदार हमारा पनीर जमेगा। ये लूज रखी हुई इतना कि हमारा स्पेस मिले ऐसे दबाने के लिए, ठीक है। तो सर्दी का दिन है तो जल्दी ही जम जाएगा हमारा पनीर, क्योंकि ठंडा अभी है नॉर्मल। अब ये ज़्यादा भी गांठ कर दीजिएगा ना तो ये ना थोड़ा अलग टाइप का बन जाएगा। तो इस तरीके से दबा दीजिए, दबा के आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से गरम गरम में ही दबा के थोड़ा सा गोल शेप दे दीजिएगा। और ये होममेड पनीर बनाने का निंजा टेक्निक है। देखिए एक प्लेट लिए है, प्लेट लेके इस तरीके से भारी कुछ भी रख दीजिए भारी। अब इधर जितना भी एक्सेस पानी है सब निकल जाएगा, देखिए यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया, आपका पनीर जम जाएगा। तो जब तक हमारा पनीर सेट हो रहा तब तक हम अपना प्याज टमाटर वमाटर सब काट लेते हैं। देख रहे हैं खूब बढ़िया से बनाएंगे पनीर, आपको दूर तक खुशबू आएगा। तो देखिए यहाँ पे पनीर के लिए हम कुछ मसाला होममेड मसाला बनाएंगे, पनीर मसाला। देखिए यहाँ पे हम लिए हैं मिर्ची तीखे के अनुसार 8 से 10 ली हूँ, थोड़ा चटपटा भी रखूंगी। 2 बड़ा चम्मच धनिया, गरम मसाला आपके घर में जो भी हो, मैं दालचीनी ली हूँ, थोड़ा सा जावित्री का फूल ली हूँ, 1 छोटी इलायची है, 2-3 लौंग है, 1 बड़ी इलायची हो तो वो भी ले लें, नहीं था मेरे पास। आई 1 गांठ हल्दी, आई 1 बड़ा चम्मच जीरा है, और 10-12 काली मिर्च, 1 गांठ लहसुन है। लहसुन और अदरक का पेस्ट आप डाल सकते हैं इस पनीर में, और बिना लहसुन प्याज का भी बना सकते हैं। तो आज मैं भी सोच रही हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि बिना लहसुन प्याज का भी बना सकते हैं। तो आप चाहें तो लहसुन और प्याज दोनों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास पीसा हुआ पेस्ट है लहसुन और अदरक का, तो वही डाल लूंगी। बहुत से हमारे दोस्त बोलते हैं कि आप बिना लहसुन प्याज का सब्जी बताइए, तो अगर नहीं खाते तो इसको ना डालें दोस्तों। इसके जगह में आप ग्रेवी काजू बादाम का ग्रेवी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई हम रखे हैं, इस पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इस तरीके से सेक लेंगे मसालों को। मसालों में से बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है तो इसको नीचे उतार कर रखते हैं और ग्रेवी का तैयारी करेंगे। 2 प्याज हम इसी में डाल रहे हैं कढ़ाई में, जिसमें हम पनीर बनाए थे ना उसी कढ़ाई में हम डाल रहे हैं। इसको बिना तेल का ही इसको बढ़िया से इसको सेक लेंगे प्याज को। इधर 2 टमाटर लिए हैं, इसको भी काट के रख लेते हैं। तो देख रहे हैं बिना तेल का ना प्याज भुनने से ना इसका जो स्मेल है प्याज का वो चला जाता है। अब 2-3 मिनट भुनने के बाद में हम ये टमाटर भी डाल के इसी में 2-3 मिनट और भून लेंगे। लो फ्लेम करके इसको ढक देंगे, पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, अपने आप पक जाएगा और जो प्याज के स्मेल है वो भी कम हो जाएगा। भूसा लेके आई हूँ। यहाँ पे चावल सारा कूटा गया है, 2 तरह का चावल है तो अलग अलग रखे हम लोग। अब इसको रख देंगे किचन में, देखते हैं भाई चावल कैसा हुआ इस बार का। हम ज्यादा जल्दी तो इन लोगों को है। चावल कैसा हुआ बाबा? एकदम ठीक हुआ है। चलो बढ़िया चावल हुआ हमारा। धान खरीदे थे, खरीद के धान कुटवाए, वही कुटा गया तो चलेगा कुछ दिन, ऐसे बार बार चावल खरीदना ही पड़ता। देख रहे हैं यहाँ पे लो फ्लेम पे छोड़ दिए थे बिना पानी के ही, बिल्कुल उबल के एकदम
कैसा हो गया देख रहे हैं, पानी भी छोड़ दिया है। अब इसको ठंडा करके हम पीसेंगे। अब इधर ना थोड़ा सा हम तेल डाल के गरम कर लेंगे, इसमें पनीर को तलेंगे। ठीक है, देख रहे हैं पनीर तो हमारा जम गया था अच्छा से। अब इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए, देख रहे हैं कितना जबरदस्त पनीर जमा है। अब यहीं पे हम काट लेंगे। ये देखिए पनीर एकदम प्योर पनीर जमा है, इसको कहते हैं प्योर पनीर। ऐसे तो मार्केट में पनीर उपलब्ध है, लेकिन घर पे बनाइएगा ना उसका अलग ही टेस्ट। अब छोटा छोटा पीस काटना चाहे आप, बड़ा बड़ा काटना चाहे, जैसा पीस बनाना चाहे, मीडियम बनाए, आपका पनीर है, मर्जी आप ही का चलेगा। देख रहे हैं पनीर कितना बढ़िया निकल गया है। इसको उठा लेते हैं, कटिंग भी कर लिए हैं हम। 1.5 किलो में ना कम से कम 300 ग्राम पनीर निकला है। ठीक है, 1.5 किलो दूध में। अब थोड़ा थोड़ा पनीर हम गरम तेल में तल लेंगे। देख रहे हैं कितना बढ़िया तल रहा है। अब एक तरफ से हल्का तल जाना है तो इसको पलट देंगे, लाल तल के निकालेंगे। तो बस इतना ही तलना है हमें, ज़्यादा नहीं तलना है, बस इतना ही तल तल के निकाल लेना है। ऐसे ही हम सारा पनीर को तल लेंगे। पनीर देख रहे हैं कितना बढ़िया भुन गया है। अब इसी तेल में हम डालेंगे जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 मिर्ची, बढ़िया से चटका लेंगे। अब एक बड़ा सा प्याज काट के रखे हैं, डाल लेंगे। प्याज को मध्यम आंच पे इसको भूनने देते हैं और चलते हैं ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हमारा ये प्याज टमाटर भी ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे हम 10-12 काजू किशमिश 10-12 भिगो रखे हैं पहले से। 2 चम्मच नारियल का भूरा लिए हैं, ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मसाले पीसते हैं, उसके बाद सारा ग्रेवी पीसेंगे। देसी मिक्सी तैयार। थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको पीस लेंगे। मसाले की खुशबू पूरा आ गया। मसाले को बिल्कुल बारीक पीस लिए हैं, इतना खुशबू से पूरा किचन भर गया, खुला ओपन किचन। अब आप चाहें तो मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन हम लोगों का तो यही मिक्सर जार ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ग्रेवी भी हमारा बहुत अच्छा पीस गया, देख रहे हैं। काजू बादाम भी इसी पे रख के पीस लेंगे, साबुत भी डाल सकते हैं आप। आ जाएगा मजा, मेहनत का फल। प्याज देख रहे हैं कितना बढ़िया भुन गया है। ग्रेवी डाल देंगे यहीं पे। अगर आपका मटर बिल्कुल मीठा ना हो, कच्चा ना हो, तो जब प्याज भुने थे ना तभी उसी टाइम आप भुनिएगा मटर को। ठीक है, मेरा एकदम बिल्कुल हरा है इसलिए मैं अब डाल रही हूँ, देख रहे हैं। और साथ में मसाला भी पिसा हुआ ऐड करना है हमें। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना था, जब प्याज भून रहे थे ना तभी मैं भूल गई थी, अब डाल लेती हूँ। ग्रेवी के साथ भुन जाएगा, बहुत बढ़िया। और इसमें मसाले के साथ हम हल्दी नहीं पीसे थे, तो हल्दी डाल लेते हैं 1 चम्मच। अगर देगी मिर्च हो तो 1 चम्मच डाल लीजिएगा। घर में अगर किचन किंग पड़ा हो तो किचन किंग डालिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं।
ये नारियल का जो भूरा लिए थे ये भी हम यहीं पे डालेंगे और स्वाद अनुसार पनीर को ध्यान में रखते हुए नमक भी डाल देंगे। डालने के बाद ग्रेवी को ना 8-10 मिनट तक भूनेंगे लो मीडियम आंच पे। आंच देख लीजिए कैसे जल रहा है। एक कप पानी भी डाल सकते हैं आप, डाल के इसको बढ़िया से भूनने के लिए छोड़ दें। 8-10 मिनट भूने, बीच बीच में चलाते रहें। कितना बढ़िया हमारा मटर ग्रेवी पक रहा है, बीच बीच में हम चला दे रहे हैं। इस तरीके से धीमी धीमी आंच पर पकाइएगा ना, बहुत ही अच्छा बनेगा आपका मटर पनीर। देख रहे हैं कितना बढ़िया पक रहा है। अब ग्रेवी जिस हिसाब से आपको मोटा पतला बनाना हो उतना इसमें पानी ऐड कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा पतला मटर पनीर मज़ा नहीं आता है खाने में। अब यहीं पे जो काजू का पेस्ट हम बनाए थे ना ये भी ऐड कर लेंगे सारे का सारा, क्योंकि काजू हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा जो पनीर है ना वो मीठा मीठा बनेगा, खाने में बड़ा मज़ा आएगा। उबाल आने लगा है ग्रेवी में, अब यहीं पे हम पनीर अपना डाल लेंगे, ठीक है। इधर धनिया की पत्ती लहसुन का पत्ता बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे फिर डाल लेंगे। ऊपर से धनिया की पत्ती लहसुन की पत्ती डाल देंगे। अब बस 3-4 मिनट में हमारा पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। तो पनीर बन के हो गया तैयार दोस्तों, शाम भी हो गया, बहुत सारा काम कर रही थी ना, आहा खुशबू आ गया पनीर का। तो देख लीजिए आप लोग फाइनल लुक, आहा ये देखिए, देख रहे हैं फाइनल लुक। तो दोस्तों जल्दी से आप लोगों के लिए हम सर्व भी कर देते हैं, क्योंकि काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बनेगा पनीर का सब्जी मटर पनीर। तो ये वाला मटर पनीर एक बार खा लेंगे ना तो बार बार बनाने की कोशिश करेंगे। तो गर्मा गर्म पनीर का सब्जी मटर पनीर का सब्जी आप रोटी से, पराठे से या नान से, किसी भी चीज से इसका लुत्फ उठा सकते हैं। बनाने में थोड़ा सा समय लगता है पर स्वाद बहुत अच्छा होता है। आप लोग देखे ही कितना बढ़िया बना हुआ है, इसका स्वाद तो भाई चखने के बाद ही पता लगेगा। तो आप लोगों के लिए मैं सोच रही हूँ चखाई दूँ, रोटी वोटी बना दूँ क्या दोस्तों, खाओ के जाइएगा इतना देर से देखे हैं वीडियो है। तो आप लोग भी इस तरीके से जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को कैसा लगा हमारा मटर पनीर का रेसिपी ये भी बताइएगा कमेंट में है, और आप कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। मैं तो कई तरीके से बनाई हूँ अपने चैनल पे, पुराना मटर पनीर भी हमारा देख लीजिएगा। मटर पनीर बनाई हूँ, बटर मसाला बनाई हूँ, पनीर मसाला बनाई हूँ, ये भी देख लीजिएगा रेसिपी हमारा। और अपना रेसिपी हमसे साझा कर सकते हैं आप, और आप लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज है अनीता जी का किचन नाम से, जाके फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे भी मैं एक से एक रेसिपी लेकर आते रहती हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, जब तक इंजॉय कीजिए आप लोग मटर पनीर। देखिए मटर पनीर खाने के लिए लोग देखिए कैसे आए हैं, शाम हो गया है, शाम को बोली थी कि बनाएंगे, सब खड़े हो गए हैं लाइन से है, तो शाम भी हो गया है, तो हम भी चलते हैं रोटी बना के या घर पैकअप।